तो जय मसीह की, मैं आज आपको जैसे मैंने पिछले वीडियो में मैंने जो जिस चैप्टर का आपको समझाया था कि क्या मैं समझी इस वचन से, वो था लेवी व्यवस्था अध्याय 16। तो वो पार्ट 1 था जिसमें मैंने वर्ड्स 1 से लेकर वर्ड्स 4 तक आपको समझाया था। तो ये इसका पार्ट 2 है, इसमें मैं आपको वर्ड्स 5 से लेकर 10 तक समझाने जा रही हूँ कि मैंने इस वचन से क्या समझा या मुझे इससे क्या ज्ञान प्राप्त हुई। तो लेवी व्यवस्था अध्याय 16 का वर्ष 5 कुछ इस प्रकार से है, फिर वह इसराइलियों की मंडली के पास से पाप बलि के लिए 2 बकरे और होम बलि के लिए 1 मेढ़ा ले। इसमें क्या होता है, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था कि इसी पूरे अध्याय को अगर हम इंग्लिश में पढ़ते हैं तो इसमें बछड़े के जगह पे बुल लिखा गया है, जो पावर का प्रतीक माना जाता है और जिसको हम पालतू बहुत मुश्किल से बनाया जाता है। पालतू बनाना इसको बहुत मुश्किल है, ये एक जंगली कासा होता है। तो इसमें बकरा दिया हुआ है। तो देखिए इसमें बकरा दिया हुआ है। जैसे पहले क्या होता था, 2 बलियाँ चढ़ाते थे, एक पाप बलि एक होम बलि। जैसे हमने पिछले वर्स में सुना कि जो हारून के जो पुत्र थे वो अपने आप को महापवित्र स्थान में जाने के योग्य समझ बैठे और वहाँ गए, तो उन्होंने इसका फल पाया कि उनकी मृत्यु हो गई। तो ये उन्होंने पाप किया, तो ये हारून का फर्ज बनता था कि उनके लिए पाप बलि चढ़ाए। तो इसलिए हारून पाप बलि के लिए 2 बकरों को लिया और होम बलि के लिए 1 मेढ़ा को लिया। तो अब हम छठा वर्ष पढ़ेंगे, और हारून उस बाप पाप बलि के बछड़े को जो उसी के लिए होगा चढ़ाकर अपने और अपने घराने के लिए प्रायश्चित करे। देखिए यहाँ पे बछड़ा लिखा है, जिसको इंग्लिश में हम ये वर्ड्स को पढ़ते तो इसमें लिखा है बुल। तो ऐसा हुआ, हारून ने अपने पाप बलि चढ़ाने के लिए 2 बछड़े भी लिए, क्योंकि उसके बच्चे ने क्या बोलते हैं पाप कर दिया था, तो उसके प्रायश्चित तो करना पड़ता उसको, तो इसलिए प्रायश्चित के लिए उसने 2 बछड़े लिए। तो अब हम 7 वर्स को पढ़ेंगे, और उन दोनों बकरों को लेकर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सामने खड़ा करे, और हारून दोनों बकरों पर चिट्ठियाँ डाले, और चिट्ठी यहोवा के लिए और दूसरी चिट्ठी अजाज़ेल के लिए। पहले ज़माने में क्या होता था, 2 बलि होती थी, जैसे आप जानते हैं पाप बलि और होम बलि। तो दोनों बकरा होता था, उसमें एक उसमें चिट्ठी डाला करते थे, एक चिट्ठी में यहोवा लिखा रहता था, एक चिट्ठी में अजाज़ेल। अब आप सोच रहे होंगे अजाज़ेल कौन था, नूह के समय में जो 200 एंजल्स को स्वर्ग से नीचे गिराया गया था, उनमें का ये नामी स्वर्गदूत था, जो 200 स्वर्गदूत नीचे गिराए गए थे उनमें से अजाज़ेल बहुत फेमस था, ये उनमें से एक ही था, जो एक फॉलन एंजल था ये। तो अजाज़ेल का अगर हम मतलब देखेंगे तो अजाज़ेल का मतलब होता है आवारा, जिसको जंगल में छोड़ दिया गया, जो आवारा, जो बिना किसी चिंता के बिना किसी घर द्वार के और घूमता रहे बाहर, ये ऐसा होता है। तो 2 बकरों में एक का नाम यहोवा और एक का चिट्ठी डालते थे, एक का नाम जिसमें यहोवा लिखा जाता था और एक का नाम अजाज़ेल। तो अब हम आगे पढ़ते हैं, और जिस बकरे पर यहोवा के नाम की चिट्ठी निकले उसको हारून पाप बलि के लिए चढ़ाए। मतलब जिस बकरे के अंदर से यहोवा के नाम की चिट्ठी निकले उसको बलि चढ़ाए पाप बलि, मतलब उसको मार डाले। और फिर परंतु जिस बकरे पर अजाज़ेल के लिए चिट्ठी निकले वो यहोवा के सामने जीवित खड़ा किया जाए कि उससे प्रायश्चित किया जाए और वह अजाज़ेल के लिए जंगल में छोड़ा जाए। और जिसमें अजाज़ेल के नाम की चिट्ठी निकलती उसको मतलब बरी किया जाता है, वो उसको बरी करके उसको जंगल में छोड़ दिया जाता है। और अगर हम यही वर्स 5 से लेकर 10 को नया नियम में अगर हम इसे थोड़ा कनेक्ट करके देखते हैं, तो जिस बकरे में यहोवा की चिट्ठी निकली थी वो यीशु मसीह था, और जिसमें अजाज़ेल की चिट्ठी निकली थी वो था जिसको यीशु मसीह के बदले जिसको छोड़ा गया था, वो था बराबस। आपने पढ़ा होगा वो बराबस को छोड़ा गया था यीशु मसीह के बदले। और आप सोच रहे होंगे तो फिर ये चिट्ठी कहाँ गई, तो जब यीशु मसीह को जब क्रूस पे लटकाया गया तो उनके ऊपर एक चिट्ठी थी, ये वही थी यहोवा के नाम की चिट्ठी। और जब बराबस को बरी किया गया तो उसमें भी एक पेपर में बोला गया था, आप किसको पहले बरी करना चाहते हो, या यीशु मसीह को या
बराबस को, तो उन्होंने बराबस बोला, तो बराबस अजाजेल का बकरा, मतलब उसको अजाजेल के बकरे के स्थान पे रखे, तो उसको भी छोड़ा गया यीशु मसीह के बदले में। और अगर हम बराबस का नाम, बराबस का नाम का मतलब खोजे, तो बराबस का मतलब होता है यीशु मसीह के जैसा। तो मतलब ये दोनों बकरे थे, एक था यीशु मसीह, एक था बराबस। तो अगर हम इसको नया नियम से जोड़ के देखें तो इसका यही मतलब होता है। तो अगर हम देखें जो यहोवा की नाम की चिट्ठी थी, जो यीशु मसीह था, उसको भी हमारे पाप बलि के लिए क्रूस पे चढ़ाया गया। जैसे हारून ने यहोवा के नाम से जो चिट्ठी निकली थी उसको अपने बच्चों के लिए पाप बलि चढ़ाया, वैसे परमेश्वर ने यहोवा के नाम की चिट्ठी जो यीशु मसीह थी वो हमारे पापों के लिए चढ़ाया। और जो अजाजेल की चिट्ठी थी उसके बदले जो बराबस था उसको बरी किया। और आपको लगता होगा कि बराबस जो पहले जैसे था वैसी कठोर दिल का रहा होगा, लेकिन नहीं, उसको जब पता चला कि मुझे बरी किया गया तो उसने अपना मन बदला कि चलो मुझे एक नई जिंदगी मिली है। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है, आपको अगर यीशु मसीह ने उद्धार दिया है तो आप उसका यूज़ करें। ये नहीं कि आप दोबारा पाप में जाएं और अपनी पवित्रताई को आप गंदा करें। तो इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि परमेश्वर ने अपना कीमती लहू बहा के जब हमको आज़ाद किया है तो हम वापस उस पाप की गुलामी में हमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर बार बार खून नहीं बहाएगा। उन्होंने एक बार सब चीज़ को ख़त्म कर दिया, इट इज़ फिनिश्ड। तो हमें इससे यही शिक्षा मिलती है, जो हम एक बार किसी चीज़ को थूक दिए तो दोबारा उसे चाटना नहीं चाहिए। तो मुझे जो समझ में आया मैंने आप लोगों से शेयर किया। सबको जय मसीह की।